हाँ तो जिमी, फिर ईद का तो पहला दिन गुजर गया है, कुर्बानी भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है, और जिस चीज़ को हमने गोश्त देना था वो भी दे दिया। जी पापा। सो व्हाट्स नेक्स्ट जिमी? नेक्स्ट क्या पापा? नेक्स्ट बारबेक्यू। बारबेक्यू? चल वो भी हो जाएगा मेरी जान, लेकिन तेरे से कुछ पूछा था। वो क्या पापा? तू भूल रहा है ना जिमी, तू फिर से भूल रहा है। नहीं पापा मैं नहीं भूल रहा, क्या पूछा था आपने? अच्छा, कल जब कुर्बानी से पहले साकिब कसाई लेकर आ रहा था, उससे पहले मैंने तेरे से कुछ पूछा था कि घर में कुछ मिसिंग है। घर में कुछ मिसिंग है मतलब पापा? अबे यार तेरी गाड़ी किधर है? हाँ गाड़ी, गाड़ी आपको बताया था ना पापा। हाँ तूने बिल्कुल मुझे बताया था, तो चल चाय पी लिया तो चलते हैं फिर। कहाँ पे पापा? जहाँ पे तेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी किधर है पापा? तेरी गाड़ी किधर है ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ हाँ पापा वो क्या नाम है उसको दी हुई थी ना ठीक रहने के लिए। हाँ तो हो गई होगी अभी तक। चल चल चाय फेंक मेरे साथ आ, बता मुझे पापा। हाँ हाँ आ जा चलते हैं उधर ही, जहाँ तू कहेगा, जिस मकैनिक के पास तूने दी हुई है, जिस वर्कशॉप में तूने गाड़ी खड़ी की है, उधर ही चलते हैं मेरे साथ चल। अच्छा पापा चलो फिर। आ जा वहाँ से तेरी गाड़ी भी उठा लेते हैं, उसके बाद फिर साकिब के साथ जो है ना हम अपना ट्रिप प्लान करते हैं बारबेक्यू का कि कहाँ जाना है। सही है? चलो पापा ऐसा कर लेते हैं यार। वैसे इतनी जल्दी भी क्या थी पापा, ईद गुजर जाती तो। एक मिनट, एक और चीज़ मुझे यहाँ से मिसिंग लग रही है। वो क्या? अमेंडा की गाड़ी। भाई अमेंडा की गाड़ी भी मैं कल बल्कि परसों से नहीं देख रहा। अब पापा वो तो मुझे नहीं पता। उतर ना ज़रा, एक मिनट, इसकी गाड़ी भी मिसिंग है और उसकी गाड़ी कहाँ गई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी भी, ना उसने जिक्र किया अपनी कार का, ना उसकी गाड़ी मुझे पूरे घर में नज़र आई है कल, बल्कि परसों से मैं देख रहा हूँ। पापा मामा से पूछो ना, इस निकम्मी को भी मैंने गाड़ी लेकर जब से दी हुई है ना, मैंने उसके बाद उसकी ख़बर भी नहीं पूछी। अब यहाँ पर कहीं गाड़ी उसकी मुझे नज़र आ नहीं रही, लेकिन वो सामने क्या है, ये सामने क्या खड़ा हुआ है, तो ये इसने गाड़ी पार्क की हुई है। सुभान अल्लाह, चेक करो इसकी पार्किंग, और इसको पूरे घर में कोई जगह नहीं मिली है, जाके नीचे खड़ी कर दी है। देखो यार इसके कारनामे। जिमी इधर आ मेरे साथ। पापा नीचे खड़ी की अब गाड़ी को? नीचे खड़ा किया हुआ रे, पता नहीं कैसे वहाँ पर पहुँचा दी इसने गाड़ी, मुझे समझ नहीं आ रही इतनी ये महान कलाकार कहाँ से हो गई है। ये कुछ ना कुछ इसने बिगाड़ा होगा, कुछ ना कुछ इसने किया होगा, लाजमी सी बात है। एक मिनट, हाँ इधर आ, मुझे कुछ शक पड़ रहा है, कुछ नज़र आ गया मुझे। देख ले भाई, गाड़ी डैमेज है बाबा, गाड़ी पूरी डैमेज है। देख आगे थे देख। अरे हशर नशर करके रख दिया इस गाड़ी का। अरे पापा यार मामा ने गाड़ी ठोक दी होगी कहीं। ठोक दी होगी भाई, इसने गाड़ी का सत्यानाश कर दिया, इसका मुझे पहले से ही शक था। इतनी महंगी गाड़ी इसको गिफ्ट करने का ज़रा भी फ़ायदा नहीं है। देख ज़रा, पीछे से भी ये उखड़ गया, आगे से भी बोनट उखाड़ दिया है। इसको ज़रा मैं ओपन करके देखता हूँ, अंदर भी इसने कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा यार। ये बोनट पता नहीं अच्छे से बंद होगा कि नहीं। एक मिनट, नहीं भाई नहीं, ये इसका उखड़ गया भाई, डिग्गी इसकी उखड़ गई है, और आगे से स्क्रैच वगैरह भी आए हुए, बोनट भी उखड़ा हुआ। भाई ये किधर है अमेंडा, किधर है ये, किधर? ज़रा इसको मैं बताऊँ, इसको मैं ज़रा ले कर आऊँ, और इससे मैं पूछूँ कि इसकी गाड़ी किधर है। पापा यार अभी छोड़ें यार। आ ज़रा, दिमाग मेरा ख़राब हो गया आज सुबह, ईद के दूसरे दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तुम लोग ना यार मूड का सत्यानाश करने में नंबर 1 हो यार, मुझे दुश्मनों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे दुश्मनों की। अगर तुम लोग हो ना तो यही मेरे लिए काफ़ी है। किधर ये अमेंडा? अच्छा तो ये सामने खड़ी हुई है और मज़े से चुपचाप खड़ी हुई है। देखो ज़रा। हेलो हो। हाँ क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं, मैं चिल्ला तो नहीं रहा, मैं आराम से बात करता हूँ। एक क्वेश्चन का जवाब दे दो बस मुझे। क्या? कार किधर है तुम्हारी? मेरी गाड़ी उधर बाहर होगी ना। कहाँ पे ज़रा मुझे बताना। इधर आओ। बाहर ही होगी ना माइकल। इधर आओ, मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे है। इधर आओ। माइकल कहाँ जा रहे हो? आओ ना रे, आओ ज़रा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने गाड़ी कहाँ पार्क की है। अभी सारा का सारा दूध और सारा का सारा पानी अभी हो जाएगा। जिमी तुम्हारा बाप पागल तो नहीं हो गया? यार मामा आपने क्या किया अपनी गाड़ी के साथ? आए ज़रा इसकी मैं ख़बर लूँ। एक किधर है ये अमेंडा, किधर है? आ रही है पापा। जल्दी आना, जल्दी आ। दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है यार इन्होंने, दिमाग का दही बना के रखा हुआ है। पैसा जैसे पता नहीं क्या समझा हुआ इन्होंने पैसे को। पैसा आ जाए तो बस पानी की तरह बहाओ, इसको कदर ही ना करो चीज़ों की। देख इधर आ अमेंडा, क्या हो गया तुम्हें? ये गाड़ी का हशर कैसे हुआ है और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कैसे की है तुमने? माइकल तमीज़ से बात करो, बताती हूँ। बताती वाती बाद में हूँ, ये गाड़ी ठोकी किधर आई है बताओ मुझे। पता है ना कितने की आई है? पता है ना जितने की भी आई है। तुम बात कैसे कर रही हो? आगे से बकवास कर रही हो हैं? माइकल पापा क्या कर दिया आपने? पापा मामा को मार रहे हो आप। इसको गाड़ी लेकर देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। मुझे पहले ही शक था कि ये गाड़ी का सत्यानाश करेगी, मेरे गिफ्ट का दबाव बर्बाद करके रख देगी। मामा आप ठीक हो मामा? यार पापा क्या किया आपने? इतनी छोटी बात है, मारा क्यों मामा को? इतनी छोटी बात तुझे छोटी बात लग रही है? मामा उठो यार मामा प्लीज़, क्या हो गया आपको? पापा यार मामा को आपने बेहोश कर दिया है। कोई बेहोश वगैरह नहीं हुई, नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है, ये छोड़ दे इसको यहाँ पर ही। पापा मामा बेहोश हो गई हैं यार। बोल रहा हूँ ना तो छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मामा उठो यार, कितने ज़ोर का आपने मारा यार। आप पापा क्या क्या इंसान हो आप, जालिम हो यार। जिमी छोड़ दे उसको, छोड़ दे, ड्रामे कर रही है, एक नंबर की ड्रामे बात है। कह रहा हूँ उसको छोड़ दे, उठ जाएगी वो। पापा लेकिन अबे कह रहा हूँ उठ, तू उठ इधर से। तू मुझे अपना बता, तेरी गाड़ी किधर है अब? पापा यार क्या कर रहे हो आप? पहले इस गाड़ी को तो ज़रा ठिकाने लगाओ ना, पता नहीं इसे यहाँ पहुँचाई कैसी है। इस गाड़ी को ज़रा लेकर ऊपर जाऊँ, मैं अपनी जगह पे खड़ा करूँ इस गाड़ी को। अब दोबारा इसको मैं ये गाड़ी चलाने देता हूँ। इसने यार ड्रामा बना के रखा हुआ है पैसों का, पैसे ना हो गए पता नहीं क्या है इसके लिए। और तेरा जिमी, तेरा भी मैं अभी इलाज करता हूँ ना, तूने पता नहीं गाड़ी कहाँ पे खड़ी की है, तेरा भी कुछ भरोसा नहीं है मुझे। पापा मेरी गाड़ी तो मिल जाएगी पापा, लेकिन आपने क्या कर रहे हो आप मामा की गाड़ी के साथ? और मामा के साथ क्या कर दिया? इधर से नहीं जाने वाली यार पापा। इधर से कैसे नहीं जाएगी? ये जैसे लेकर आई है ना वैसे ऊपर मैं लेकर भी जाऊँगा। मुझे मालूम है ये नीचे लेकर आई होगी गाड़ी तजर्बा करने के लिए, और तजर्बा करते करते इसने गाड़ी ठोक दी होगी, या तो बाहर किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया होगा। गाड़ी तो यहाँ से मैं लेकर ही जाऊँगा। यार पापा और ख़राब कर रहे हो आप गाड़ी। अब ये गाड़ी ख़राब ही होने दे, लेकिन यहाँ से ही जाएगी ये इधर। इसको मैं खड़ी करता हूँ गाड़ी को। बाहर आ जा, तू तो मेरे साथ आना। पहले किधर पापा? अबे आके गाड़ी में बैठ जिमी, जल्दी। पहले मेरा मीटर शॉर्ट मत कर। पापा यार मामा को तो उठाओ उधर से। क्या कर रहे हो आप? कौन पीछे देखेगा उनको? उसकी तो फिक्र ना कर, वो एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है, वो जानबूझ के नाटक कर रही है, वो उठ जाएगी। इतना ज़ोर का मैंने उसको मारा नहीं है, मुझे पता है। और अब मुझे तू बता कि तूने गाड़ी कहाँ पे, किस वर्कशॉप पे खड़ी की है? बस इतना पता, मैं उधर लेके जाऊँ गाड़ी। पापा यार आप पापा मत जाओ यार। क्या मतलब? पापा गाड़ी रोको यार, गाड़ी इधर ही रोको पापा, प्लीज़ गाड़ी रोको। क्या मसला है तुझे? इधर साइड पे रोको ना यार पापा, कहीं भी मत जाओ प्लीज़, यहाँ पर रोक दो। एक मिनट, बाहर निकल। हाँ क्या मसला है तुझे? पापा गाड़ी कहीं भी नहीं है, वर्कशॉप में भी नहीं है। तो? पापा मुझे नहीं पता गाड़ी किधर है। तुझे नहीं पता गाड़ी किधर है? नहीं पापा सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं मंडी जाने से पहले घर पार की थी गाड़ी, वापस आया तो मुझे गाड़ी नहीं दिखी पापा, कसम ले लो। मैं आपकी कसम खाता हूँ पापा। अच्छा तुझे तेरी गाड़ी का कोई इल्म नहीं है, ठीक हो। तो मेरे दिए हुए गिफ्ट की तुम लोग ऐसे कदर करती हो, ये वैल्यू है मेरे गिफ्ट की। जैसे मैंने अमेंडा को गिफ्ट की गाड़ी, और ऐसे ही तुझे भी मैंने वो गाड़ी गिफ्ट की, तूने भी उसको नज़रअंदाज किया। चला मेरे साथ गाड़ी में बैठ, आ ज़रा मैं तुझे बताता हूँ तेरा गिफ्ट कहाँ पर रखा है। बैठ गाड़ी में पापा, बैठ। भूल गया भाई, गाड़ी भूल गया। कोई छोटी सी चीज़ हो तो फिर बंदा कहता है गाड़ी भूल गया, मैंने कहाँ पार्क की थी। वाह भाई माशाल्लाह। तुझे मैं बताता हूँ जिमी, तेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है। कहाँ पे पापा? आ जाना, बताता हूँ ना तुझे मैं, सब्र तो कर। पापा आपको कैसे पता? पापा बेटा सब्र तो कर जाना यार, एक मिनट। हाँ यार दरवाज़ा खोल, बाहर खड़ा हूँ। हाँ लेने ही आया हूँ, गाड़ी लेने आया हूँ, दरवाज़ा खोल। तू मुका यार। पापा ये गाड़ी इस घर में है पापा? बे सब्र तो करना। ये सामने देख क्या है? अरे शुक्र है मेरी गाड़ी इधर ही है, मैं तो डर गया था कसम से पापा। डर गया था तू डरता होता ना तो गाड़ी तू ऐसे पार्क ही ना करता घर में। क्या किया था मैंने पापा? अच्छा क्या किया था पापा? तुझे पता नहीं तूने किया क्या था? पापा क्या इतनी सी बात पे मार रहे हो? तुझे कितनी दफ़ा मैंने समझाया, कितनी दफ़ा समझाया कि गाड़ी अपनी जगह पे पार्क किया कर, फिर उल्टी सीधी खड़ी करके लगा देता घर में। पापा जल्दी में था, इस वजह से लगा दी थी। तो क्या सिर्फ तेरी गाड़ी है इस पूरे घर में, और किसी की गाड़ी नहीं होती पार्क करने के लिए? पापा गलती होगी यार, इस पर मारने वाली क्या बात थी। ये गलती अगर दोबारा हुई ना तो ऐसा मारूंगा कि हॉस्पिटल से तो बाहर ही नहीं आएगा। चल अब गाड़ी लेके घर आ। अच्छा पापा सॉरी। दफा हो जल्दी। सॉरी ड्रामा बना के रखा हुआ यार इन लोगों ने। जब तक इनकी सही खबर ना लो ये सीधे नहीं होंगे यार, ये सीधे नहीं होने वाले हैं। उतना और ज़्यादा ये बिगड़ जाएंगे और मतलब कि तंग करते हैं यार। फिर गिफ्टें लेके दो, पार्टियाँ करो, ट्रिप पे जाओ, इधर उधर फुल इंजॉय कराओ ना, फिर बेटा सर पे चढ़ के ये बैठ जाते हैं। फिर ये कोई भी चीज़ इनको लेकर दो, कोई इनको कदर नहीं, कोई परवाह नहीं। मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, मजाक। जैसे दरख्तों में ये सामने जो दरख्त लगे हुए हैं ना, इसके ऊपर पैसे उग रहे हैं। अभी जाके खबर लेता हूँ अमेंडा की। ड्रामे कर रही होगी, उठ गई होगी वहाँ से, पक्का यकीन है मुझे। देखो ज़रा गाड़ी का हशर, ये तो फिर होना था भाई, ये तो फिर होना था। अब गाड़ी को तो मैंने इसको हाथ नहीं लगाने देना, कुछ भी कर ले। देखता हूँ है किधर ये ज़रा। मारा तो मैंने इसको इतना ज़ोर का नहीं था, जानबूझ के गिर के बेहोश होके पड़ गई थी। देखा गायब हुई हुई है यहाँ से, उठ गई है ये। देखा मैंने पहले ही बोला था, पहले ही कहा था ना, ये ड्रामे कर रही है, नाटक कर रही है। ये इधर ही कहीं होगी, या घर में कहीं होगी, या तो फिर जाके कमरे में बैठ गई होगी। इसको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था यार, बहुत ज़रूरी था सबक सिखाना। अगर ना सिखाता ना, एक मिनट ये इधर ही खड़ी हुई है, सब्र करे। ये फ़ोन पे है, किसके साथ फ़ोन पे है ना? हाँ फ़ोन पे बातें किसके साथ कर रही है ये? मैं आ रही हूँ बस, और मैं नहीं रह सकती। हाँ अभी आ रही हूँ। अमेंडा हाँ ठीक हो गई हो तुम? माइकल के बच्चे, तुमने जो मेरे साथ किया ना, इसका तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देना पड़ेगा? ये फ़ोन पे किसके साथ बात कर रही थी तुम? अपने भाइयों के साथ। ओह तो भाइयों को सब कुछ बता दिया तुमने? हाँ सब बता दिया मेरे पे। तुमने हाथ उठाया, वो भी एक गाड़ी के पीछे। एक गाड़ी के पीछे? गाड़ी कितने की है, ज़रा कीमत बताओ मुझे। कीमत अब पूछोगे? गिफ्ट की भी कोई कीमत होती है? भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। अबे देखो ज़रा, इसने मजाक बना के रखा हुआ है, इतना घमंडी हो गया ये। अपनी इस कटारा गाड़ी का घमंड इसको आ गया। एक गिफ्ट क्या कर दी गाड़ी, इतना चौड़ा हो गया ये। भाड़ में जाए ये, और भाड़ में जाए इसकी गाड़ी। अबे ओ क्या कर क्या रही हो, ये क्या कर रही हो? इसी गाड़ी की वजह से तुमने मारा है ना मुझे। नहीं मैंने तुमसे पूछा इसकी कीमत क्या है गाड़ी की, कितने की आई है ये? माइकल पागल तो नहीं हो गया तुम, सटिया तो नहीं गए? सटिया गया हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ भाई तुम्हारे लिए तो सब कुछ फ्री का आता है ना, सीधी बात है। यहाँ से निकलो, मैं कहता हूँ जिसको बुलाना है बुलाओ जाके। राम राम से ले जाता हूँ, अभी अच्छे से पार्क कर दूँगा। आज तो पापा बहुत गुस्से में यार, मैं पहली दफ़ा इतना गुस्सा देख रहा हूँ। ये कौन आ रहा है यहाँ से? ये मामा भाग के जा रही हैं क्या? मामा किधर जा रही? मामा को तो पापा ने मारा था, कैसे उठ गई ये? एक मिनट रोकना पड़ेगा। मामा कहीं घर छोड़ के तो नहीं जा रही? पापा ने निकाल तो नहीं दिया? सब्र करो यार, मामा को रोकना पड़ेगा। मामा अरे यार रुक जाओ, किधर जा रही हो यार? मैं हूँ, देखो जरा, मुझे देख के भागी हैं। मामा यार रुको। अबे यार एक मिनट, इनको रोकना पड़ेगा, उतर के सोने नहीं रही है यार। एक मिनट गाड़ी आगे लेके जाता हूँ। देखो यार मामा को क्या कर दिया पापा ने मामा के साथ। अब मामा किधर जा रही हो आप भाग के? यार मैं रोक रहा हूँ आपको, तो जा रही हूँ घर छोड़ के, तुम्हारे पापा ने निकाल दिया मुझे। ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा, ऐसे गुस्से में है यार। मामा सब्र कर जो, पापा का गुस्सा ठंडा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसने कभी हाथ नहीं उठाया, गुस्सा बहुत किया लेकिन हाथ आज उठाया उसने। मुझे यकीन नहीं आ रहा जिमी। यार मामा प्लीज़ यार, थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त कर लो यार, अब पापा गुस्से में है बहुत। मैं जा रही हूँ जिमी, मुझे जाने दो प्लीज़। मामा मत जाओ यार, मैं कह रही हूँ जिमी मुझे छोड़ो प्लीज़, मैं अब वापस घर नहीं जाऊँगी, कुछ भी कर लो। यार मामा क्या यार, छोटी सी बात पे आप क्या कर रही हो? रुक जाओ जिमी, कह रही हूँ ना, छोड़ो मुझे प्लीज़, वापस नहीं जाना मैंने। उफ यार अच्छा आओ गाड़ी में बैठो। क्या हो गया है, इतनी छोटी सी बात पे कितना बड़ा पतंगड़ बन गया है। प्लीज़ जिमी मुझे छोड़ो, मेरे घर। तो मामा आपका ये वाला घर है ना? नहीं मेरा दूसरा, जहाँ मेरे भाई रहते हैं। लेकिन फिर मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, अगर आप घर जाओगी तो सबको बताओगी तो पापा और गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, अब तुम्हारे बाप से मुझे बदला लेना है, इसका ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये हरकत। इसने पहली दफ़ा मुझ पे हाथ उठाया है। मामा पापा ने मुझे भी मारा है यार, मैंने गाड़ी सिर्फ अच्छे से पार्क नहीं की, मुझे भी मार दिया आज। देखा, तुम्हारा बाप नशे में पागल हो गया, बहुत घमंडी हो गया। वो किधर गया जिमी, अभी तक आया नहीं, टाइम क्या हो गया है? देखो, इसको बोला था गाड़ी लेके इधर पार्क कर, ये सामने तो रास्ता है, अभी तक आया नहीं है ये। फ़ोन लगाऊं इसको ज़रा। नहीं उठा रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा। निकल गया भाई, ये भी अब मेरे से अच्छी खासी कुट खाएगा। अब ये भी घर आया तो मैं इसको बताता हूँ। घर आया, अब इसकी भी मैं खबर लेता हूँ यार। इसको भी छूट दे दी है मैंने। मुझे तो लग रहा है अमेंडा को इसने पकड़ लिया होगा और अमेंडा ने इसको इंसिस्ट किया होगा कि इसको घर लेके जाए, और वो उसकी बात मान के अमेंडा को घर छोड़ने चला गया होगा। इन दोनों का कुछ मुझे करना पड़ेगा अब। कुछ ज़्यादा ही ढील दे दिया यार, बहुत हो गया, बहुत ही कुछ ज़्यादा हो गया। काल आ रही है। हाँ माखोबी, इधर हो। क्या है ओ माखोबी, क्या करना है फिर आज शाम का? क्या करना है माखोबी? तिक्का शिक्का, बारबेक्यू, पार्टी शार्टी, क्या सीना? अबे क्या तू कैंसिल कर सब। क्या मतलब माखोबी, मैं सामान वगैरह ले आया हूँ। नहीं मैं नहीं आ रहा। क्या हो गया माखोबी? सारी तैयारियाँ हो गई है, मैंने बुकिंग भी कर दी है जहाँ जाना है हमने। कहाँ जाना है माखोबी? आईलैंड, आपने बोला था ना, आईलैंड बुक किया, वही। कैंसिल कर दे यार, तूने जाना है तो चला जा, मैं नहीं जा रहा। माखोबी अचानक आप ही ने बोला था, क्या हो गया आपको? जिमी भी आने वाला था, फैमिली आपकी आने वाली थी। अच्छा आप नहीं आ रहे, तो जिमी और फैमिली तो आ रही है ना आपकी। कोई नहीं आ रहा यहाँ से, कैंसिल है सब। लेकिन माखोबी अचानक यार, बकवास कर रहा हूँ, कैंसिल तो कैंसिल, बस रख फोन। ओह यार, मूड ही ऑफ हो गया, अब क्या करना है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रही। चुप करके बेड पे ही पड़ जाता हूँ, भाड़ में जाएं सब। अस्सलाम वालेकुम। तो यार, एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार आपने एक गेम का नाम सुना होगा, फ्लॉपी वर्ल्ड, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा टफ गेम थी और काफ़ी अर्सा पहले लॉन्च हुई थी। और उस गेम को खेलना, उस गेम के मिशन को करना यार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और उस गेम का डिवेलपर वियतनाम से था। उसी गेम के कॉन्सेप्ट को देखते हुए यार ये गेम बनाई गई है एक पाकिस्तानी डेवलपर की तरफ से। और यकीन माने यार, इसके लेवल्स को, इसके मिशंस को भी कंप्लीट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, हो जाते हैं। लेकिन ये होगा कि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस गेम के मिशंस को कंप्लीट करना। तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन करने कैसे होंगे उससे पहले आपको गेम डाउनलोड करनी पड़ेगी। गेम कैसे डाउनलोड करनी पड़ेगी? सीधा गूगल प्ले में जाएं और सर्च पे टाइप करें ट्रेन गेम नॉटी बॉम्ब। तो इस तरह से टॉप पर ये गेम आ जाएगी इस लोगो के साथ। इसको क्लिक करके डाउनलोड करें और प्ले करें। और ये मेरी तरफ से आपको चैलेंज होगा कि यार इसके मिशंस को आपने कंप्लीट करना है, लेवल्स को आपने कंप्लीट करना है। तो जल्दी से जाएं, अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए डाउनलोड का तो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो जल्दी से जाकर इस गेम को डाउनलोड करें और सपोर्ट करें। पाकिस्तानी डेवलपर है यार, जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे उसको उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और वो ऐसी और मज़ेदार किस्म की गेम्स बनाता रहेगा। समझा कर साशा, करना ज़रूरी होता है कभी कभी, पता है क्या, पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए, अपनी तारीफ़ें कराने के लिए ये काम करना पड़ता है साशा। टेंशन ना ले, सीख जाएगा सब, तू सीख जाएगा। ये खेल ही ऐसा है, ये खेल ही ऐसा है मेरी जान। इधर आ गए गैस स्टेशन के पास, गाड़ी रोकी। पापा लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं पापा? ये सब तो सियासत का हिस्सा तो नहीं था ना पापा। साशा बच्चा है तू, मैंने बोला है ना, मेरे साथ रह, सब सीखेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब सीखेगा। सामने देख रहा है, करना पड़ता है। चल गाड़ी से उतर साशा, खेल स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, क्या सूरत चल रही है? पुलिस वाले आए हुए हैं, गुड है, अभी सिचुएशन को कंट्रोल में करते हैं। अरे बाप रे बाप, अच्छा खासा नुकसान हो गया। अरे तो बहुत बंदे जल गए हैं। इतने बड़े नुकसान का तो खैर मैंने नहीं सोचा था, लेकिन चलो आग लगाई है, बुझानी तो पड़ेगी ना। रेडियो पर आओ। हाँ इंस्पेक्टर, क्या बना फिर? सर इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। आपसे पहले बहुत से लोग आके पूछ चुके हैं सर, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ली है सर। सबको मैंने वापस भेज दिया सर, और यही बोला है कि इस मामले को मैं ही सॉल्व कर दूंगा, जैसा आपने मुझे बोला था सर। वेरी गुड इंस्पेक्टर, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तू संभालेगा, मैं जाऊँ? नहीं नहीं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपका होना बहुत ज़रूरी है सर, नहीं तो इतना बड़ा वाकया हो गया है, इसकी तस्दीक करने के लिए हमारा बयानिया काफ़ी नहीं है सर। थोड़ी देर बस रुक जाएं सर। हाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करनी पड़ेगी मुझे। चलो कोई नहीं, सफाई देनी है ना सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सब कैसे हुआ और आपने इस सब को कैसे कवर करना है सर। हाँ हाँ हाँ, पता है पता है, इन कामों में कदम रखना तो आसान होता है, लेकिन जब कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं तब तकलीफ़ होती है, और असल इम्तिहान तो वहीं से स्टार्ट होता है। कोई नहीं, संभाल लूँगा मैं, टेंशन नहीं। तुम बस इस जगह को क्लियर करा दो ना थोड़ी देर तक, और मामला कल तक पूरा सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। जी सर, वो आप मेरे पे छोड़ दें सर। आ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आते ही होंगे, फिर आओ। जिस वक्त ये वाकया हुआ मुझे उसी वक्त कॉल आ गई, और मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फौरी तौर पर इस इलाके के SHO को कॉल मिलाई ज़ाती तौर पे, और मैंने उससे फ़ोन पे बात की कि जगह पे पहुँचो, उस पूरे इलाके की तहकीक करो, किस वक्त कौन सी गाड़ी आई थी, CCTV भी चेक करो और छानबीन अभी स्टार्ट कर दो। किसने ये काम किया है, ये धमाका हुआ कैसे है, ये वारदात किसने की है, मुझे पूरी A to Z खबर चाहिए। मैंने पर्सनली तौर पर SHO से इसकी रिपोर्ट तलब की है, और SHO ये मेरे साथ पीछे खड़े हुए हैं। चाहे तो आप मेरे बाद इनसे भी कॉन्फ्रेंस करके पूछ सकते हैं, ये आपको रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे, आप ही के चैनल पर ये रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये वाकया आखिर हुआ कैसे? एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में बॉम्ब था, और जहाँ तक हमारा मानना है ये एक खुदकुश हमला था, ये सुसाइड अटैक था, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं कर सकते हम। कंफर्मेशन इसकी करना बाकी है, लेकिन जो इसमें जानी नुकसान हुआ है मुझे उसका बेहद अफसोस है, बेहद, कि जानी नुकसान से आगे कुछ भी नहीं होता, जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं जैसे कि इलेक्शन करीब है, जो जो इस वाकये में शहीद हुआ सबके घर में 10-10 लाख इमदाद का ऐलान करता हूँ, और इंशाअल्लाह आज शाम तक वो 10-10 लाख सबके घर में पहुँचा दिए जाएंगे। बाकी रह गई तहकीकात, वो हम 2 दिन के अंदर अंदर कवर कर लेंगे, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो तो इंस्पेक्टर साहब से कर दीजिएगा। मैं चला जाऊँगा। साशा, पापा आपने तो कमाल कर दिया पापा, किस तरह से आपने इतना क्लियर बयान कैसे दे दिया पापा। बोला है ना साशा, मेरे साथ रह बस, सियासत तू भी समझ जाएगा। मुझे भी टाइम लगा था साशा, मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी आदतें पड़ने लग गई। पापा सैंडी शोर को तो हम शायद फतह कर लें पापा, लेकिन लोग का क्या पापा, वहाँ पे तो शायद माइकल का राज है। माइकल का राज कहाँ है साशा? माइकल तो अभी बच्चा है, अभी खड़ा हुआ है वो, और मैं उसको जितना जानता हूँ शायद कोई भी नहीं जानता। साशा तू एक काम कर, तू सीधा गाड़ी लॉस सैंटोस लेके जा, मैं लॉस सैंटोस को भी अपने हाथ से जाने नहीं दूँगा। सैंडी शोर तो अपना ही है, इसकी मुझे टेंशन नहीं है। ये बात तो कंफर्म है कि ये इलेक्शन सैंडी शोर से मैं ही जीतूंगा, लेकिन मेरा असली निशाना तो लॉस सैंटोस है, जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ पे मैंने कारोबार किए हैं, उस शहर को छोड़ के आना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन अब उस शहर में वापस जाना मेरी ज़िद बन चुकी है। जी पापा, मैं वही आपको कह रहा हूँ पापा कि किस तरह से हम लॉस सैंटोस में कब्जा करेंगे पापा। साशा सब्र सब्र, ये खेल आसान नहीं होते हैं। लेकिन पापा इतना पैसा आप कैसे लगाएंगे पापा? पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी भी तू फिक्र मत कर साशा, उसका बंदोबस्त भी होता रहेगा। सैंडी शोर में इलेक्शन पहले हैं, पहली वोटिंग सैंडी शोर से स्टार्ट होगी और सैंडी शोर में हम जीत जाएंगे। जीतने के बाद पैसा ही पैसा है। अगले हफ्ते लॉस सैंटोस में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। वो पैसा सारा उठा के लॉस सैंटोस में डाल देंगे और कहाँ डालना है, किस पे लगाना है पैसा, ये तुझे आके पता चल जाएगा साशा। अभी जाने दे। मैंने फौरी तौर पर इस इलाके के SHO को कॉल मिलाई जाती तौर पे और मैंने उससे फोन पे बात की कि जगह पे पहुंचो, उस पूरे इलाके की तहकीक करो। ओह, तो ये जनाब ओशी साहब सियासतदान बनने बैठे हुए हैं, क्या बात है भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरे साथ काम करने वाला आदमी, मेरे से बल्कि काम सीखने वाला आदमी, जिसको मैं अपना शागिर्द के तौर पे मैंने अपने शोरूम पे रखा हुआ था, मतलब पार्टनरशिप थी, लेकिन काम तो मेरे से सीखता था ना ये, और आज सैंडी शोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वाह भाई, मैं भी कहूँ कोई राबता नहीं, कोई इस्लाम दुआ नहीं। चलो अच्छी बात है। खैर, इससे भी राबता करना पड़ेगा, फ़ोन शून मारना पड़ेगा। मैं भी तो सियासत में आ गया हूँ और वो ऑलरेडी सियासत में चला गया है, तो अभी तो लिंक हमारा रहेगा ही, कनेक्शन तो रहेगा। चलो, मुझे तो वो अच्छे से जानता ही है। बुरा वक्त भी साथ देखा है और अच्छा वक्त भी हमने साथ ही देखा है। नुकसान भी हमने यार अपने साथ उठाया है और फ़ायदा भी हमने इकट्ठे उठाया है। तो चलो, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है यार। अभी नीचे जाते हैं, देखते हैं कि भाई जिमी और अमेंडा का क्या बना है यार। अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं तो बल्कि रात को सो ही गया था, देखते हैं।